खंडवा से गिरफ्तार आतंकी फैजान हनीफ शेख इंडियन मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित था। मध्य प्रदेश एटीएस ने खंडवा के सलूजा कॉलोनी से गिरफ्तार कर उसके प्लान को फेल कर दिया। फैजान सुरक्षा बल के बीच जाकर लोन वुल्फ अटैक करने की तैयारी में था, यानी भीड़ में जाकर आत्मघाती हमला करना। फैजान खंडवा के जूनी इंदौर लाइन स्थित अपने पिता और भाई के साथ लेथ मशीन पर काम करता था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फैजान 6 महीने पहले कोलकाता एनआईए द्वारा गिरफ्तार अब्दुल रकीब से जेल में मिलने गया था। कोलकाता जेल में उसने अपना परिचय रकीब के भाई के रूप में दिया और करीब 8 दिन कोलकाता में रुका था। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में एटीएस को फैजान का कश्मीर लिंक भी मिला है। वह कुछ दिन कश्मीर में रहकर आया है। फिलहाल इस मामले में एटीएस ने आतंकी फैजान का 5 दिन का रिमांड लिया है और भी खुलासे हो सकते हैं। कलकत्ता जेल में बंद आतंकी रकीब कुरैशी के अलावा खंडवा में और कौन इसके करीबी हैं, इस बारे में भी आतंकी फैजान से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए इस मामले में मध्य प्रदेश एटीएस आईजी डॉक्टर आशीष ने क्या कहा। आज एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जब जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देश द्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पर हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैजान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएम, आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, उनसे हम लोगों के पास कई फ़ोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फ़ोटोज़ मिले हैं। और अभी हमारी इस पे तहकीकात जारी है, पूछताछ जारी है, हम लोग अभी इस पे आगे की विवेचना कर रहे हैं। और ये भी पाया गया है कि ये कई सिमी संगठन के जो पूर्व मेंबर्स थे उनसे भी संपर्क में था। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ये लोन उल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था, ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल, जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था, और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं उनसे भी संपर्क कर रहा था।
अभी इससे प्राइमा फेसाई हमारे पास इतनी जानकारी मिली है और इस पे यूएपीएफ के एफआईआर किया गया है, इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है और इससे आगे पूछताछ करके और भी जो एविडेंस मिलेंगे और भी जो लीड मिलेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा मैं और टाइम लेना चाहूँगा इस पे ये बताने के लिए कि ये एटीएस का पिछले 3 साल में 6 बड़े ऑपरेशन्स हुए हैं जिसमें हमने 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये जो ऑपरेशन्स हुए हैं इसमें 6 विभिन्न जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर कार्रवाई हुआ है। ऑपरेशन तो 6 से ज़्यादा भी हुआ है, उसका एक विवरण डाला हुआ है और बाकी जो इंडियन मुजाहिदीन आईएसआईएस और अन्य संगठनों पे जो हमारी सफलता रही है उसका भी एक ब्रीफ प्रेस नोट में दिया गया। प्लीज सर, आपने